नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। राजनीति में आस्था जब हावी होने लगती है तब उसका न केवल जनमानस पर तेजी के साथ प्रभाव पड़ता है बल्कि वे वक्त बेवक्त चर्चा में चुनावी चर्चा हो और राम मंदिर की बात न हो ऐसा संभव ही नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राम मंदिर की गूंज हो रही है। कोई कहता है राम मंदिर बन जाना चाहिए, कोई कहता है कि राम मंदिर नहीं बना तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, कोई कहता है कि राम मंदिर का मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कहता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ी फांस भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जब बात की जाती थी कि राम मंदिर का क्या होगा, सवाल एक ही था लेकिन जवाब भी एक ही था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे माना जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती थी कि हाई कोर्ट का पक्ष हमारे में रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही फैसला देगी और राम मंदिर बनेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने जो एक बयान दे दिया उससे एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है और घमासान भी मच गया है, नाना प्रकार की अटकलें शुरू हो गई हैं। केशव प्रसाद जी ने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित होगा। दूसरा नंबर उन्होंने कहा कि आम जन सहमति से भी राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। लेकिन उन्होंने तीसरी बात और कही, विकल्प खुले हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी, अगर आम सहमति की बात नहीं बनी तो कानून के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सवाल उठता है सीधा सीधा, क्या वास्तव में अब कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा? क्या चुनाव के पहले राम मंदिर की नींव रख दी जाएगी? क्या अब राम मंदिर बन करके ही रहेगा? अब राम मंदिर कोई चुनावी शगुफा नहीं होगा? अब राम मंदिर का निर्माण सीधे तौर पर विपक्ष के महागठबंधन को एक करारा जवाब होगा। हमने इसी पर राय ली है आम जन की। आइए हम सुनते हैं आम जन इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। क्या लगता है किस प्रकार लोग राम मंदिर बनाएंगे? राम मंदिर के लिए चाहें तो लोकसभा में कानून पारित करके और इसको बना लें या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके भी बनवा सकते हैं। नहीं, कानून तो नहीं बनाया जाएगा, 2019 के पहले राम मंदिर बनेगा और इसी मंदिर के जरिए चुनावी खेल खेलेंगे और अगला चुनाव जो है आने से पहले मंदिर बनेगा। क्या ये कोई चुनावी शगुफा तो नहीं है? नहीं, इसमें तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है चुनावी शगुफा हो, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और राम मंदिर का बनना 24 घंटे के अंदर बनना स्वाभाविक हो जाएगा। आदेश के मुताबिक मुझे तो ऐसे लग रहा है। और आपने सुनी आम जन की ये आवाज़, साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव के पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए अपरिहार्य हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है विधेयक अध्यादेश
इनके माध्यम से भी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि 2019 के चुनाव के पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये है आम जन की आवाज। आइए सुनते हैं अगली आवाज। इस देश में राम मंदिर बहुत समय से लटका हुआ मसला है। इसमें अनेक बार संघर्ष हुए हैं, अनेक बार विषय उठाया गया, परंतु मामला जहां की तहां है। आखिर में अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, वहां लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, कहा तो यह गया था कि डे टू डे सुनवाई होगी, फास्ट ट्रैक लगेगा, लेकिन आज भी कानूनी पछड़ों में उसको उलझाया जा रहा है। कुल मिलाकर के मसला जल्दी हल होना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का मतलब है ये, और इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। लोग तो चाहते हैं कि ये मसला लटका रहे, जिससे कभी राम मंदिर बन ही नहीं पाए। राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग चाहते हैं उनको बनने से अब वास्तव में बहुत बहुत अद्भुत शांति और अद्भुत आनंद का अनुभव होगा। इसलिए जितनी जल्दी बने राम मंदिर, उतनी जल्दी देश का गौरव बढ़ेगा, पूरे विश्व में इसका प्रसिद्धि और प्रचार प्रसार होगा और अनगिनत लोग यहाँ आएंगे। सवाल ये है कि राम किसी एक के नहीं, संपूर्ण मानवता के हैं, और मानवता के लिए हजारों मंदिर हैं, लेकिन जो राम जहाँ पैदा हुए वो एक ही स्थान है, जो अयोध्या है। अयोध्या में जो मूल जन्म स्थान है, जो मूल जन्म स्थान है, वही पर विवादग्रस्त बनाया गया, क्योंकि विदेशी आक्रांता ने उसको नष्ट कर दिया था। पहले मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए, मैं आशावान व्यक्ति हूँ। अब भी मैं आशा रखता हूँ कि इस कार्य को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर का निर्माण कराया जाए, इसमें कोई खून खराबा न हो। बहुत ही ये भारतवासी का कर्तव्य है, हर हिंदुत्व का ये कर्तव्य है कि इस ये कार्य अवश्य होना चाहिए। इसमें ये कानून बने या न बने, हम इस पक्ष में नहीं हैं, ये तो अदालत का काम है, लेकिन हर हिंदू और भारतवासी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस कार्य में सभी को सहयोग देना चाहिए। भगवान राम सभी के हैं, कोई एक के नहीं हैं, हर मजहब के हैं, हर कोई अपना मजहब रखता है। इसलिए यहाँ अयोध्या में ये राम जन्मभूमि है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतएव ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मंदिर का निर्माण कराया जाए। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि इसमें कोई खून खराबा न हो। कि 2019 की चुनाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा 5 साल पूरा होगा। इन 5 वर्षों में देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, या बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, या आर्थिक व्यवस्था को देश की सुदृढ़ करने के लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं किया गया। कोई भी ऐसे बड़ी फैक्ट्री या कल कारखाने नहीं डाले गए जिससे देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके, ना ही सरकारी विभागों में कहीं ऐसी नौकरियां ईजाद की गई जिसके कारण बीजेपी कुछ न कुछ चुनावी मुद्दा बनाकर देश के विकास की लड़ाई लड़े और 19 को जो अपना मुद्दा विकास बनावे। हकीकत ये है कि इन सब चीज़ों में बीजेपी फेल हुई। आज बीजेपी के पास एकमात्र अस्त्र है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र अस्त्र है कि वो अयोध्या के राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी, और जबकि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके पूर्व भी कई बार ऐसी स्थितियां आई कि ये चुनाव जीतने के लिए इनकी प्रदेश में सरकार बनी, लोगों ने कहा राम मंदिर बनाइए, उन्होंने कहा बगैर केंद्र के कैसे बनी, केंद्र में भी बन गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब केंद्र में बनी तो 3 मुद्दों को लेकर केंद्र में सरकार बनी और प्रदेश में भी बनी थी, समान नागरिक आचार संहिता, धारा 370 या राम मंदिर निर्माण, ये 3 मुद्दे उनके खत्म हो गए। तो इनको मंदिर तो बनाना है नहीं, मंदिर के नाम पर ये देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की इस देश में नीति थी डिवाइड एंड रूल, वो सेम पद्धति से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जबकि हमारा देश
सर्वधर्म संभाव की रणनीति से चलता रहा है। यहाँ कई धर्म हैं, कई जातियाँ हैं, कई संप्रदाय हैं, इन सब को लेकर भारत देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो आगे बढ़ती रहे। मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, जो कहने के लिए कही गई है, सरकार ने कहा है ये मंदिर 2019 तक तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये मामला जो है आपसी हल से तो निकाला जा सकता था, लेकिन ये मसला अब चला गया है न्यायालय में, और न्यायालय का जो मसला होता है वो 2019 से पहले तो आ ही नहीं सकता और ना ही ये हो पाएगा। ये मुद्दा सरासर उठा के ये केवल अपनी राजनीति पक्की कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मंदिर 2019 में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अयोध्या मंदिर जो है 2019 में बन जाएगा ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय में है और न्यायालय के ही हिसाब से सब चल रहा है। तो जो पार्टियां पहले दावा कर रही थी कि मंदिर बन जाएगा, जो दावा आज कर रही है कि मंदिर बन जाएगा, वो मंदिर केवल इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। मंदिर के दम पे वो पहले भी चुनाव जीतना चाहते थे, आज भी मंदिर के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से जायज है ही नहीं, और ये सब मामला न्यायालय में है, ये इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपने आम जन की इस आवाज में दो वर्ग सुने। एक वर्ग था बुजुर्गों का, जिनका साफ साफ कहना था, बड़ी संयत भाषा में था, बड़ा मर्यादित था, शिष्टाचारी था, कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए और अयोध्या में बनना चाहिए, राम की जन्मभूमि है और बड़ी शांति के साथ बनना चाहिए, किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं होना चाहिए, राम मंदिर बनेगा, गौरव बढ़ेगा, विश्व में हमारा नाम बढ़ेगा, इसलिए राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। और एक हमारे बुजुर्ग तो ये कह रहे थे कि राम मंदिर बन जाएगा, हमें सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी, हम प्रभु के चरणों में जब अपना शीश दबाएंगे तो हमें एक विशेष प्रकार के सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी, ये कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो युवा वर्ग था उसे विश्वास नहीं है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, 2019 के पहले तो राम मंदिर का बनना तो बिल्कुल निश्चित नहीं है। क्यों? कह रहे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चूँकि इसमें राजनीति, जहाँ बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, युवा वर्ग कह रहे थे राजनीति हो रही है। जब राजनीति हो रही है तो फिर ये कैसे संभव है कि राम मंदिर का निर्माण 2019 के पहले हो पाएगा? उनका ये भी तर्क था, चुनाव है, चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए, एक उन्मादी माहौल बनाने के लिए इस तरीके का मुद्दा उठाया जाता है, जो फिर उठाया जाएगा। क्यों? जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे जनता का दिमाग उठाना है। 2014 में जो परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों को लेकर के मनमोहन सरकार हारी थी, लगभग वही परिस्थितियां अपने देश में 2019 के समय भी मुंह बाए खड़ी हैं। इसलिए लगता ये है कि एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा तेजी के साथ उछलेगा और चुनाव में भी इसका उपयोग किया जाएगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपको सुनाएंगे आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को
11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। बस में मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। पब्लिक फोरम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर की, इसलिए भी कि दो दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनी, आम जन की सहमति नहीं हुई, तो फिर कानून के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सवाल उठ गया, क्या वास्तव में 2019 के पहले मंदिर की नींव रख दी जाएगी? क्या ये मंदिर का मुद्दा महागठबंधन को जवाब होगा? क्या अब वास्तव में मंदिर बन करके ही रहेगा? क्या ये जो मंदिर मुद्दा अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि कानून के द्वारा मंदिर का निर्माण करा ही दिया जाएगा? इसी पर हमने आमजन की राय ली। आमजन ये तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मंदिर तो बनना ही चाहिए, इसमें किसी को भी दो राय नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि राजनीति हो रही है, इसलिए जैसे 1984 से लेकर के ये मुद्दा गरमा रहा है राजनीति में, वैसे ही गरमाने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आइए, अभी तक हमने आपको कानपुर देहात, फतेहपुर, कन्नौज की आवाज़ें सुनाई, अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर, और कानपुर की क्या आवाज़ है इसे भी जरा सुन लीजिए। बिल्कुल पढ़ जानी चाहिए, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर के लिए क्या लगता है, कानून बनाया जाएगा? कानून की कोई आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए कानून की आवश्यकता है, मंदिर के लिए कानून की आवश्यकता है। चूंकि लोग हिंदू लोग संविधान मानते हैं, हम भारत का संविधान मानते हैं, दूसरे जो अदर कास्ट के लोग हैं वो संविधान नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा संविधान भारत से अलग है, इसलिए कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर क्या लगता है महागठबंधन का जवाब मंदिर मुद्दा होगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और दोबारा मोदी जी की सरकार दोबारा आएगी चुन के। दो हज़ार 2019 से पहले राम मंदिर बन जाना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में भाजपा की सरकार है और जिस तरह से पूरा शासन उनके हाथ में है, शासन प्रशासन, यहाँ तक कि उनका राष्ट्रपति भी है और पूरा अमला और पूरा जमला उनका है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि इससे बढ़िया वक्त ना तो इतिहास में कभी आया है और ना इतिहास आगे आने वाला है। क्या लगता है कानून बनाया जाएगा?
नहीं, कानून बनाने की वैसे खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की आम राय एक आ रही है कि वहाँ पर राम मंदिर अयोध्या में होना ही चाहिए, क्योंकि राम मंदिर सभी की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आस्था से किसी के खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए आस्था से जुड़ी बातों को आस्था के तहत वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए। गठबंधन के लिए क्या राम मंदिर का जो निर्माण है ये सही जवाब होगा? गठबंधन के लिए राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें देखिए मानव से मानव का कल्याण होना चाहिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए, कहीं फसाद नहीं होना चाहिए, किसी भी आस्था के साथ या किसी भी व्यक्ति विशेष की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लगातार हम लोगों को ये सोचने का काम करना है कि हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी समुदाय का या किसी आमजन का कोई नुकसान न हो। लगता नहीं है कि हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन इलेक्शन आ रहा है तो सरकार की क्या नीति होती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना बड़ा काम संभव नहीं है कि 2019 से पहले राम मंदिर बन जाए। राम मंदिर के लिए क्या कानून बनाया जाएगा, क्या लगता है? अभी क्या इनकी इंटरनल पॉलिसी है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन संभव तो बिल्कुल नहीं लगता कि राम मंदिर बन पाएगा। सर 2019 में महागठबंधन आ रहा है जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा तो ये सही जवाब होगा? हाँ, अगर ये मंदिर बन जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को काफ़ी सफलता मिलने की संभावना तो है ही है। वैसे भी उनका तो अभी मोदी जी का तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन अगर वो मंदिर बना देते हैं तो हो सकता है कि बहुमत में फिर से आ जाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है मंदिर बनाने के तीन रास्ते हैं, पहला तो आपसी समझौता का, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, अगर ये दोनों मुद्दों पे बात नहीं होती तीसरा है हम कानून लाएंगे और राज्यसभा में जैसे हमें बहुमत मिल जाएगा वैसे इस पे कानून ला के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महागठबंधन की बात की जाए तो क्या लगता है 2019 चुनाव में मंदिर का निर्माण हो जाना महागठबंधन को मुंह तोड़ जवाब होगा? मंदिर बने ना बने महागठबंधन जीरो पे ही रहेगा। और कानपुर की भी यही राय है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, और उसमें कोई भी कानून बने कहाँ की सहमति हो क्या हो कोई ज़रूरत नहीं, कह रहे इसलिए क्योंकि हिंदू का राज्य है, हिंदुओं का देश है, अब तो मंदिर का निर्माण हो ही जाना चाहिए। और एक सज्जन ने तो और अच्छी बात कह दी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब जगह है तो आप क्या ज़रूरत है, अब तो मंदिर का निर्माण आप कर दीजिए, आप वहाँ पर जाकर के मंदिर का निर्माण शुरू कर दीजिए, आज ज़रूरत इस बात की है। सारे लोगों की एक ही राय है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हाँ लगता नहीं है कि 2019 के पहले बनेगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एक बात तो सब लोग कह रहे हैं कि अभी माहौल मोदी का है, यदि ये राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा या राम मंदिर की नींव रख दी जाएगी तो महागठबंधन को इससे एक करारा जवाब मिलेगा और मोदी की सरकार बिना किसी बाधा के तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए अपने रथ पर जा कर के बैठ जाएगी। आइए चलते हैं कन्नौज और कन्नौज की सुनते हैं आवाज। ये सिर्फ भाजपा के लोगों को भड़काने के लिए सब कहा जा रहा है, न्यू तो न्यू रही, वहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे ये साबित हो जाए यहाँ कभी मंदिर का निर्माण कार्य हो सके। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बना पाया जो जनता के लिए हो, वो सिर्फ अपनी व्यवस्था के लिए कानून बनाते हैं और कानून समाप्त करते हैं। मंदिर के लिए उनकी न कभी सोच रही है और न आगे भविष्य में है। कभी माननीय न्यायालय ने ऐसा कार्य नहीं किया है, कोई ऐसा आदेश नहीं पारित किया है जिसमें आम जनता को कोई दुष्परिणाम भुगतना पड़े, कतई नहीं। महागठबंधन सिर्फ अपने विचारों, देश की दशा और दुर्दशा को संभालने के लिए चुनाव क्षेत्र में उतरे। हजार 2019 से पहले नींव नहीं, जो न्यायालय का फैसला आएगा 2019 से पहले आ जाए तो मंदिर बन जाएगा,
उसके बाद आएगा तो बनेगा। न्यायालय का हम लोग स्वागत करते हैं। जाएगा मंदिर के लिए कानून नहीं बनाया जाएगा, जो कानून चल रहा है वो ही रहेगा। वो कुछ नहीं आएगी, वो तो न्यायालय मुकदमे चल रहा है, जब न्यायालय फैसला करेगा वो मान्य। महागठबंधन जो विपक्षी पार्टी करे घूम रहे हैं, उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली है। माननीय मोदी जी का जो विकास है, विकास को देख के सारी पार्टियां हड़बड़ी में पड़ी हुई हैं कि हम क्या करें, इसलिए उन्होंने महागठबंधन कर रहे हैं। होगा नहीं, गुफा नहीं, मुद्दा नहीं होगा, विकास का मुद्दा होगा। जो माननीय मोदी जी ने जो विकास किया है उसका मुद्दा होगा, विकास को लेकर चुनाव लड़ेंगे। ना मंदिर की नींव पड़ेगी, न कभी ये भाजपा वाले मंदिर बनाए। ये चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तभी इस मामले गर्म करते हैं, चुनाव बाद ये ठंडे बच्चे में चलते हैं। इनको मंदिर के नाम से अपनी कुर्सी बचाने का ये अपना खेल खेलते हैं, इससे हमारी कुर्सी बचाएगा। ना ये कानून बनाए, ना ये कानून बना पाए। अभी इन्होंने अभी कल हमने बयान पढ़ा है कि हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए हम कानून नहीं बना पाए, जबकि सारे कानून बनाने के लिए इनके पास बहुमत। अगर ये चाहे तो अपने दोनों सदन को एक साथ बुला के कानून ही बना सकते हैं, लेकिन इनको बनाना ही नहीं। अगर मंदिर बना देंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम पहले तो ये सारे लोगों ने या सारे दल ये कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानेंगे, लेकिन उस निर्णय को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये तो कहते हम अपनी तरफ से कानून बना लेंगे, मैं तो कहते हैं कानून बना ले, मंदिर बना नहीं, मुद्दा ही खत्म हो जाएंगे। ये तो हमारे महागठबंधन के नेता ही तय करें, इस पर अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता हूँ। जो पार्टी का निर्देश होगा नेता वो निर्देश उसका पालन। और कन्नौज की धरती तो राजनीति की धरती है, इसलिए वहाँ के आवाज़ में राजनीतिक तड़का ना हो ये संभव ही नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग बड़ी तेज़ी के साथ कह रहे हैं कि मोदी की सरकार भी बनने वाली है और मंदिर भी बनेगा, हर हाल में मंदिर बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मंदिर बन जाएगा, उन्हें यह भी विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आने वाला है। और ये भी कह रहे हैं कि चाहे 2019 के पहले बने और चाहे 2019 के बाद बने, मंदिर तो बनना ही है। लेकिन वहीं पर जो वहाँ पर एक समाजवादी पार्टी अपनी प्रबलता के साथ में है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जल्द ही उनकी एक साइकिल यात्रा भी वहीं से निकलने जा रही है, इसलिए वहाँ पर धीरे 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 राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहा है। तो ऐसे पक्षधर लोग कहते हैं कि अरे साहब ये चुनावी मुद्दा है, कुछ नहीं होगा, ये मंदिर नहीं बनाएंगे। और कह रहे हैं मंदिर बनाना है तो बना देना। अब कहते हैं राज्यसभा में नहीं है बहुमत, कह रहे हैं दोनों सदनों को बुला लें एक साथ में, मंदिर बना दें। लेकिन ये जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने मंदिर बना दिया उस दिन इनके पास कुछ रह भी नहीं जाएगा, इसलिए अपने अस्तित्व के लिए, अपने वैभव को बरकरार रखने के लिए, अपने में सितारों को जलने के लिए और सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए इन्हें तो राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल जीवंत रखना है। और इसीलिए नहीं लगता है कि 2019 के पहले कोई ना कोई फैसला आएगा, अगर इन्हें बनाना है तो बना लें। पब्लिक फोरम में जो ये आम जन की आवाज़ है उस पर सिर्फ एक बात बहुत साफ है, लोग चाहते हैं कि भाई लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, लेकिन शांति के साथ, मर्यादा के साथ में, शिष्टता के साथ में, शालीनता के साथ में, अहिंसा के साथ में और बड़े ही आनंदमय वातावरण में हो, लेकिन इसमें कतई राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक फोरम भी यही चाहता है, मंदिर बने, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन कृपया राजनीति मत करें। और राजनीति जब जब करेंगे तो माहौल भी गर्माएगा, हमारे जैसे आमजन कह रहे थे उन्मादी माहौल हो जाएगा, इसे नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हमारा और आपका प्रयास
भी बरकरार रहना चाहिए कि हम राम मंदिर भी चाहते हैं लेकिन शांति भी चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं विदा। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं JMD।